ऑल आइड स्टूडेंट अभी तक हमने कंटिन्यूटी की काफी सारी थ्योरी देखी कि कब हम फंक्शन को किस तरीके से कंटिन्यूस बनाते हैं ठीक है कंटिन्यूशन कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के बारे में देखा ठीक है अगर दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो उनके कॉम्बिनेशन किस तरीके से कंटिन्यूस होते हैं ये देखा तो आइए अब बात करते हैं हम इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे ठीक है तो हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेट एफ एक्स एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है माइनस पाई बाई सिक्स से जीरो के बीच में फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू बी है और जीरो से पाई बाई सिक्स के बीच में फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है तो हमें क्या करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसके लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ जीरो माइनस इसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू और एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू ये तीनों वैल्यूज बराबर होनी पड़ेंगी और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी पड़ेगी अगर ये फाइनाइट आ जाता है और तीनों क्वांटिटीज बराबर हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो जाएगा तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है तो चलिए एफ ऑफ जीरो माइनस निकालते हैं एफ ऑफ जीरो माइनस कहने का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो अब देखिए जीरो माइनस में हमने फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया था वन प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स टू द अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट निकालना है हमें तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो देखिए अप्रोचिंग टू टू पे ये वैल्यू द पावर इन्फिनिटी को जा रहा है टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं तो अब अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पावर इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ए अपॉन मॉड साइनेक्स और यहां बेस जो होता है उसमें हम क्या कर देते हैं वन माइनस कर देते हैं तो वन माइनस कर दिया हमने अब आप यहां से देखो ये साइन एक्स और साइन एक्स तो हो गया कैंसिल आउट तो ये लिमिटिंग वैल्यू सिंपली बन जाएगी e टू द पावर a ठीक है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की यानी जीरो प्लस की तो जीरो प्लस पे अगर हम देखेंगे तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन हमारा डिफाइंड है ई टू पावर टेन टू एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स तो ये हो जाएगा ई टू पावर टेन टू एक्स अपॉन टैन थ्री एक्स तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ई टू पावर टेन टू एक्स को हमने टू एक्स से डिवाइड कर दिया और टेन थ्री एक्स को हमने थ्री एक्स से डिवाइड कर दिया तो देखो एक्स एक्स तो एडजस्ट हो जाएगा लेकिन टू और थ्री को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसको टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो टू जीरो वैल्यू वन और इंटू टू बाई थ्री यानी इस केस में हमारा लिमिट जो बन जाएगा ई टू द पावर टू बाई थ्री बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया और जीरो पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता थी कि ये बी है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास जो कंडीशन होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस हमने कितना निकाला था ई टू द पावर ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो बी एन इज इक्वल टू ई टू द पावर टू बाई थ्री हो जाना चाहिए और अगर हमने कंपेयर किया यहाँ से तो क्लियरली हमें ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री दिखेगा एंड बी इज इक्वल टू ई टू द पावर टू बाई थ्री दिखेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस ए वेन एक्स इज लेस देन माइनस टू टू एक्स प्लस बी वेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू एंड जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू थ्री एंड एक्स क्यूब माइनस सी वेन एक्स इज ग्रेटर टू थ्री तो हमित यह भाई एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर कंटिन्यूस एवरी वेर का मतलब हो गया कि मतलब एफ एक्स हर पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस है ठीक है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ठीक है यानी बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी टर्निंग पॉइंट्स आएंगे टर्निंग पॉइंट्स इन द सेंस कि जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो जैसे देखिए यहां पे माइनस टू क्योंकि अगर हम एक्स लेस देन माइनस टू की बात करें तो ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि मॉडुलस फंक्शन हो गया पॉलिनोम हो गए ये सारे अपने डोमेन में क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं ठीक है तो एक्स लेस देन माइनस टू के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है डिसकंटिन्यूटी की कि जहां पे फंक्शन अपना इस तरीके से डेफिनेशन चेंज करे तो देखिए माइनस टू के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और था माइनस टू के ऊपर और माइनस टू के राइट right में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं जहां पे इस तरीके से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है जिन पॉइंट्स पे तो दे आर बेसिकली पॉइंट्स जहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए डाउटफुट

माइनस टू माइनस टू वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं सबसे पहले तो एफ ऑफ माइनस टू माइनस ठीक है यानी माइनस टू के लेफ्ट में आपका फंक्शन देखिए सिंपली मॉड ऑफ एक्स प्लस ए ही लिखा हुआ है तो अभी फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूं आगे जाके हम लोग ये आ, समझ जाएंगे और आगे जाके हम कुछ स्टेप्स अपने स्किप कर सकते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू अगर आप लिखोगे मॉड ऑफ एक्स प्लस ए तो इफेक्टिवली ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस टू प्लस ए ही हो जाएगी यानी कहने का मतलब सीधे, -सीधे x 2 हमने वहाँ पे कर दिया। अब बात करते हैं f ऑफ माइनस टू की तो f ऑफ माइनस टू की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस टू प्लस की वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू माइनस टू पे वो सेम आएगी और वो सेम क्या आएगी जब आप इसमें x के बदले में क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे माइनस टू तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी माइनस फोर प्लस बी ठीक है अब कंटिन्यूटी एट माइनस टू के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि मॉड ऑफ माइनस टू प्लस ए शुड बी इक्वल टू माइनस फोर प्लस बी ये हमारे पास अपना पहला इक्वेशन आ गया ठीक है इसको हम ध्यान में रखेंगे और आगे जब, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज करेंगे ठीक है फिर सिमिलरली x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हमें जीरो पे अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पे अपना राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो निकालना पड़ेगा ठीक है तो आइए जीरो पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो एफ ऑफ जीरो माइनस अगेन एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो के लेफ्ट में हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस बी से डिफाइंड है तो जीरो माइनस पे वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसमें क्या कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं क्योंकि वैसे भी ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं तो यहाँ पे क्लियरली ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी बी सिमिलरली हम बात करते हैं एफ ऑफ जीरो की तो आप देखोगे एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस दोनों सेम वैल्यूज होंगी क्योंकि जीरो पे और जीरो प्लस पे हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है वो एक्स स्क्वायर प्लस फोर से डिफाइंड है एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या हो जाना चाहिए बी इज इक्वल टू फोर ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया ठीक है फिर अब बात करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू थ्री पे एक्स इज इक्वल टू थ्री पे एफ ऑफ थ्री माइनस की बात करते हैं तो देखिए थ्री माइनस पे हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो एक्स स्क्वायर प्लस फोर से डिफाइंड है ठीक है तो थ्री माइनस थ्री uh, माइनस पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें एक्स इज इक्वल टू थ्री डाल देते हैं तो थ्री डालेंगे तो नाइन प्लस फोर दैट इज थर्टीन हो जाएगा तो एफ ऑफ थ्री माइनस आपका हो गया थर्टीन फिर सिमिलरली एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ थ्री प्लस दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि डेफिनेशन आपका फंक्शन का सेम है तो थ्री प्लस पे देखिए आपकी वैल्यू जो हो जाएगी थ्री क्यूब माइनस सी दैट इज ट्वेंटी सेवन माइनस सी तो ये हमारा बन गया ट्वेंटी सेवन माइनस सी और ये हो गया हमारा ठीक है ओके तो कंटिन्यूटी एट थ्री पे कंटिन्यूटी एट थ्री के लिए हमारे पास क्या हो जाना चाहिए थर्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस सी हो जाना चाहिए और अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टीन हो जाएगी और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है सी की वैल्यू निकल चुकी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की तो यहां से क्लियरली हम देखते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू बी की वैल्यू फोर है बी की वैल्यू अगर हम यहां फोर सब्सटीट्यूट करेंगे बी की वैल्यू फोर हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा ए की वैल्यू टू मिल जाएगी ठीक है तो हमारे पास ए निकल चुका है बी निकल चुका है और सी निकल चुका है और हमें वैल्यू निकालनी थी ए प्लस बी प्लस सी की तो ये हो जाएगा माइनस टू सॉरी टू प्लस फोर एंड प्लस फोरटीन तो so, ये वैल्यू हो गई हमारी ट्वेंटी एंड दिस बी आर आंसर ठीक है? Right, students, सवाल है हमारे पास इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अगेन हमारे पास एक एफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और अगेन यहां पे दिया हुआ है किस बिलोंगिंग टू आर यानी कहने का मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस थ्री बी प्लस ई टू द पावर सी ए माइनस थ्री बी प्लस ई टू द पावर सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो अगेन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस एवरीवेयर तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि x इज ईक्ल टू जीरो और x इज ईक्ल टू वन पे हमारा फंक्शन क्या हो कंटिन्यूस हो तो फॉर x इज ईक्ल टू जीरो एक्स इज ईक्ल टू जीरो पे कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जीरो माइनस निकालेंगे एफ ऑफ़ ज़ीरो माइनस हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए प्लस साइन एक्स और अपॉन एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ठीक है तो ये तो सीधे सीधे फंक्शन हमें दिख रहा है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं हमारा क्योंकि हमारे पास वैल्यू सीधे सीधे आ रही है ए अपॉन टू तो ये तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए बाई टू ठीक है फिर बात आती है हमारे पास ज़ीरो uh, प्लस की तो एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस क्लियरली हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी और जीरो प्लस पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एक्स इज ईक्वल टू जीरो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो वैल्यू हो जाएगी बी और कंटिन्यूटी एट एक्स इज ईक्ल टू ज़ीरो की बात करें तो हमारे पास ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी तो यानी यहां से हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो ए इज इक्वल टू टू बी मिल जाएगी एक रिलेशन ए और बी में मिल गया इसको हम फर्स्ट रिलेशन बोल देते हैं ठीक है फिर अब कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन की बात करेंगे तो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस की वैल्यू देखिए आपके पास क्या हो रही है तो वन माइनस आपका फंक्शन डिफाइंड है बी प्लस फाइव एक्स तो वन यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो इसे सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी बी प्लस फाइव तो ये वैल्यू आपकी हो गई बी प्लस फाइव ठीक है और एफ ऑफ वन प्लस और एफ ऑफ वन ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आने वाली हैं, ठीक है और यहां से अगर हम देखा हमने तो एफ ऑफ वन प्लस और एफ ऑफ वन दोनों की ही वैल्यू ये कब मिलेगी हमें जब एक्स के बदले में हम यहां पे क्या रख दें वन तो यानी ई टू द पावर सी मिल जाएगी तो ये वैल्यू हो गई हमारी ई टू द पावर सी ठीक है कंटिन्यूटी एट एक्स इजिक्वल टू वन की बात करें तो ये दोनों क्वांटिटीज हमारी बराबर होनी चाहिए यानी बी प्लस फाइव की वैल्यू ई टू द पावर सी के बराबर होनी चाहिए तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो बी माइनस ई टू द पावर सी इसकी वैल्यू माइनस फाइव के बराबर आ जाएगी और ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया अच्छा यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू टू बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस टू बी इजिकल टू जीरो तो रैदर देन ए इज इक्वल टू टू बी को हम अपना फर्स्ट इक्वेशन बनाए ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो को हम अपना फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो ए माइनस थ्री बी प्लस ई टू द पावर सी की वैल्यू चाहिए थी तो क्लियरली आप इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दो तो आपको मिलेगा ए माइनस टू बी माइनस ऑफ बी माइनस ई टू द पावर सी इज इक्वल टू फाइव और यहां से क्लियरली देखो यही रिजल्ट हमें चाहिए था कि a माइनस थ्री बी प्लस ई टू द पावर सी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी फाइव एंड दिस बी आर आंसर ठीक है right, बच्चों अगले अगला सवाल है हमारे पास इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अगेन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए और बी की वैल्यू निकालनी है आप हमें तो देखिए कंटिन्यूटी एट एक्सिज इक्वल टू जीरो के लिए हमने फिर से बात करी कि जीरो माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्सिज इक्वल टू जीरो के बराबर आनी चाहिए तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस निकाल लेते हैं ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा ठीक है अब यहां पे हम देख रहे हैं क्लियरली हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो हमने ये बात करी हुई है कि जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो हम क्या ले लेते हैं इसका एक्सपेंशन ले लेते हैं तो अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस थ्री टाइम्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन हो गया वन माइनस एक्स फैक्टोरियल प्लस एक्स टू फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन आगे की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है अब यहां से थोड़ा रिअरेंज करके टर्म्स को हम लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो यहां पे देखिए ए प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू फैक्टोरियल दैट इज थ्री बाई टू एंड प्लस थ्री एक्स स्क् फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन आगे जितने भी टर्म्स आएंगे एंड सो ऑन इस तरीके से आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें कोई ना कोई फैक्टर ऑफ एक्स न्यूमरेटर में ही रहेगा हमारे अब देखिए हमारा अगर लिमिट सॉरी हमारा अगर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो क्लियरली ये लिमिट एग्जिस्ट तो करना चाहिए तो यहां से इधर के टर्म्स यानी इस साइड वाले टर्म्स अगर हम देखें तो ये तो हमारे परफेक्टली फाइन है क्योंकि ये वैल्यू फाइनाइट हो जाती है और इधर के सारे टर्म्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम हमें यहां पे इस टर्म से है इस टर्म से प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर मान लीजिए ऊपर न्यूमरेटर में एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी रहती है और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास अप्रोचिंग टू जीरो क्वांटिटी हो जाती है तो ये लिमिट फिर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एनी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ज़ीरो ठीक है ये अनडिफाइंड हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो तो अनडिफाइंड हो जाएगा लेकिन सिंस हम जीरो अप्रोचिंग पे बात कर रहे हैं तो जीरो अप्रोचिंग पे भी बात करेंगे तो ये एक वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है एंड एनी नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी विल ऑलवेज लीड अप टू इंफिनिटी तो यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा अगर हमारे पास ये ए प्लस थ्री नॉन जीरो क्वांटिटी हो यानी कहने का मतलब कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आपके पास ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि ये जो क्वांटिटी है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए क्योंकि अगर अभी न्यूमरेटर हमारा एब्सोल्यूट जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर अगर जीरो अप्रोचिंग पे भी रहेगा तो भी हमारे एक्सप्रेशन की ओवरऑल वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो अपॉन एनी क्वांटिटी एनी अप्रोचिंग क्वांटिटी विच इज़ नॉट ज़ीरो विल ऑलवेज बी ज़ीरो तो एब्सोल्यूट जीरो हमें यहां पे बनाना पड़ेगा तो एब्सोल्यूट जीरो बनाने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट लिमिट टू एग्जिस्ट हमारे पास a प्लस थ्री हमारा क्या हो जाना चाहिए एक एब्सोल्यूट जीरो क्वांटिटी हो जानी चाहिए यानी a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए माइनस थ्री और अब अगर ये टर्म हमारे पास जीरो हो गया ठीक है तो अब अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे आ गया माइनस थ्री बाई टू अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की ठीक है यानी एफ जीरो एंड एफ ऑफ जीरो माइनस दोनों की क्योंकि दोनों ही क्वांटिटीज बराबर हैं तो एफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस सॉरी ठीक है जीरो माइनस नहीं जीरो प्लस तो जीरो प्लस ये वैल्यू हमारी हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचिंग to जीरो बी टाइम्स tan ऑफ पाई upon ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस थ्री अब देखिए बात कर रहे हैं हम जीरो प्लस की तो ये जो क्वांटिटी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये थ्री से स्लाइटली बड़ी क्वांटिटी होगी स्लाइटली बड़ी क्वांटिटी होगी तो थ्री से स्लाइटली बड़ी क्वान्टिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 3 ही हो जाता है तो ये सिंपल सी वैल्यू हमारी b tan पाई बाई थ्री हो जाएगी और पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री होती है टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री होती है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा रूट थ्री बी ठीक है तो फॉर कंटिन्यूटी फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास हमारा एफ ऑफ जीरो माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस तो ज़ीरो माइनस पे हमारी लिमिट की वैल्यू आई थी माइनस थ्री बाई टू और जीरो और जीरो प्लस पे हमारी जो वैल्यू आई थी वो रूट थ्री बी आई थी यानी क्लियरली यहाँ से जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस रूट थ्री बाई टू यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ए की वैल्यू माइनस थ्री होनी चाहिए एंड बी की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू होनी चाहिए एंड दिस विल बी आर आंसर, ठीक है